नारायण 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 नारायण। एक नवंबर कृष्ण कृष्ण के उच्चारण से कृष्ण प्राप्ति, आनंद रस रत्नाकर, ईश्वर दर्शन। ईश्वर दर्शन पुस्तक का नाम है, पेज नंबर 79-89। तो उसमें जो पूरा आर्टिकल है महर्षि का, उस आर्टिकल में से आज का पृष्ठ लिया है, यानी ऑलमोस्ट मोर देन 10 पेजेस। तो 10 पेजेस को एक पेज बनाना बहुत कठिन है, पर देन यू विल फाइंड दैट एज इफ वी आर जंपिंग। जंपिंग मतलब कि वो जो कोई भी घटना महर्षि लिखते हैं तो उसमें जो डिटेल होती है वो यहाँ नहीं है। एक दिन मैं गंगा स्नान करके लौट रहा था, रास्ते में पलाश के विशाल जंगल को देखकर इच्छा हुई कि यहाँ जाएं। मैं एक छोटे से वृक्ष की मनोहर छाया में बैठ गया। मैंने स्वास्तिक आसन से बैठकर हाथों को गोद में रखा और आंखें बंद करके कृष्ण कृष्ण की ध्वनि पर तनिक जोर लगाया, परंतु यह क्या, पलकें बंद रहना नहीं चाहती। एक शक्तिमान प्रकाश आंखों के तारों में घुसा जा रहा था। एंड देन ही सेज कि मैं देखता हूँ कि न वहाँ जंगल है, न वह वृक्ष है जिसके नीचे मैं बैठा था। चारों ओर एक घना प्रकाश फैला था और उसके बीच मैं ज्योंका त्यों। मैंने सोचा शायद ये मेरे मन की ही लीला हो। इन अदर वर्ड्स, इन द फर्स्ट पैराग्राफ महर्षि इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब दैट सम एक कुछ विचित्र ही अनुभव हुआ, और उस अनुभव में महर्षि को ये नहीं लगा कि कोई अध्यात्म की कोई ऊंची स्थिति हो रही है, पर लगा कि मन ही कुछ ऐसा खेल कर रहा है। मैंने फिर आंखें बंद करने का प्रयत्न किया, परंतु मेरी पलकें टस से मस नहीं हुई। मतलब कि पलक जो है वो बंद होने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं बंद करके कुछ ध्यान करूँ, पर ये कुछ ऐसी घटना घट रही थी, तो अब क्या करेंगे। तो विवश होकर मैंने अपने सामने देखा, तो सामने जब देखा, नाउ द वंडरफुल थिंग, पृथ्वी से करीब एक हाथ ऊपर, नॉट ऑन द अर्थ बट इन द एयर, पृथ्वी से करीब एक हाथ ऊपर एक त्रिभुवन सुंदर बालक मुस्कुरा रहा है। नहीं, महर्षि को ऐसा जागृत में ये सब हो रहा है ना, ड्रीम में नहीं। बैठे हैं और फिर देख रहे हैं, आंख बंद नहीं कर पा रहे हैं, फिर सामने देखा तो ये दृश्य आ गया। अभी वो जो बालक दिख रहा है, वो भी बालक तो जो भी होगा धरती पे खड़ा रहेगा ना, पर ये तो बीच में पृथ्वी से करीब एक हाथ ऊपर, तो वो मुस्कुरा रहा है। नाउ लुक, ही इज डिस्क्राइबिंग द बालक कैसा दिख रहा था। शरीर गौर वर्ण था, फूलों का ही दिव्य आभूषण था, साथ ही मुकुट पर मयूर पिच्छ था। तो कृष्ण भगवान मयूर पिच्छ लगाते हैं है ना मुकुट पे, तो वो भी वो बालक पे था, और दोनों हाथों में बांसुरी थी जो अधरों से लगी हुई थी। और इट वॉज नॉट ओनली जैसे हम स्टैचू में देखते हैं वैसा नहीं, जिसकी सुरीली आवाज मेरे कानों में प्रवेश कर रही थी, मीन्स ही वॉज प्लेइंग द फ्लूट एंड आई वॉज हियरिंग दैट, है ना, मुझे सुनाई दे रही थी उसकी सुरीली आवाज। तो ये पूरा सब देखकर, और वो जो सुन रहे थे बंसुरी की आवाज, वो सब देखकर मैं चकित हो गया। मीन्स हमको एकदम आश्चर्य हुआ कि ये क्या। अब देखिए मन में प्रश्न उठ रहा है महर्षि के। मैंने मन में कहा, कृष्ण तो श्याम सुंदर है, ये गौर सुंदर कहाँ से। इसलिए अपने नृत्य गोपाल है ना, यहाँ के तो जो है गिरधर गोपाल वो तो श्याम सुंदर है, पर नृत्य गोपाल जो है वो महर्षि ने जो दर्शन किए थे वही महंत जी को कहा कि ऐसा बनाना है, ऐसा करते हैं, तो इसलिए वो गौर रहे। तो कह रहे हैं कि वो गौर सुंदर कहाँ से, ये तो श्याम सुंदर हैं। बाद में ठाकुर जी इसका प्रश्न का जवाब देंगे, उनके मन में प्रश्न आया, उन्होंने किया नहीं, पर ठाकुर जी अंतर्यामी है ना, तो इनके प्रश्न समझ गए। दो प्रश्न क्या, दूसरा तो उनको प्रणाम करना चाह रहे हैं पर नहीं हुआ। मैं उनके चरणों में साष्टांग लेट जाना चाहा, परंतु मेरा शरीर जड़ हो गया था, मतलब मैं बोल तक न सका। तो एक तो ये बात हुई कि उनके मन में प्रश्न आया महर्षि की कि गौर वर्ण क्यों है, और दूसरा वो प्रणाम करने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है।
इन दोनों बातों का जवाब भगवान स्वयं देंगे आगे। तो महर्षि कह रहे हैं फिर आपकी, मतलब किसी ने पूछा कि आपकी क्या स्थिति थी, बोले हाँ मेरा हृदय आनंदित था, शरीर रोमांचित था और आंखों में आनंद के अश्रु थे। मैं उनको केवल देख रहा था और वे मुस्कुराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, ठुमक ठुमक कर नाचते हुए, इमेजिन यानी एयर में है ना, नाचना तो बनेगा ना नीचे जमीन के ऊपर, पर वो ठुमक ठुमक कर उसी में नाच रहे हैं, ऊपर ही ऊपर है ना, ऊपर ही ऊपर। देखिए महाराज इज स्पेसिफिक अबाउट दैट, कि ऐसा नहीं तो कोई समझेंगे कि फिर धरती पे उतर गए फिर नाच रहे थे, नहीं ऊपर ही ऊपर नाच रहे थे। और वो कभी दाएं कभी बाएं और कभी सामने आकर ठिठक जाते थे, मतलब रुक जाते थे। इस प्रकार न जाने कितना समय बीत गया। सो दिस टुक प्लेस फॉर क्वाइट सम टाइम। नाउ वो बांसुरी बजा रहे थे, बांसुरी बजाना बंद कर दिया और वो जो बात नहीं किए थे ना, तो उन्होंने अपना मौन तोड़ा। मौन तोड़ा मतलब उन्होंने बात करनी शुरू की। तो जो बात उनकी जो वाणी है, महर्षि कह रहे हैं कि मेरे कानों में मानो अमृत की धारा प्रवाहित होने लगी। यानी वो वाणी कोई हम लोग जैसे बोलते हैं ना, वो वाणी नहीं थी, एकदम जैसे है ना अमृत, यानी इतनी स्वीट वो वाणी। इतना कहने का मतलब क्या बोले वो, वे बोले कि मैं गौर भी हूँ और श्याम भी हूँ। महर्षि ने कहा ना कि मैंने मन में कहा कृष्ण तो श्याम सुंदर हैं, ये गौर सुंदर कहाँ से, लुक यू नो, मन में कहा। पर वो जो है वो अभी मौन तोड़े, और मौन तोड़ के सबसे पहले वो जो महर्षि के मन में प्रश्न था उसी का उत्तर दिया। अभी ये क्या है, ये महर्षि इस समय शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में है, है ना, अखंडानंद जी के रूप में नहीं है, क्योंकि गंगा स्नान करने जाते थे, अपने घर से दूर था गंगा जी, और फिर लौट रहे थे। तो बीच में पलाश का विशाल जंगल है, वहीं की घटना सुना रहे हैं। तो ये सब इनको जब वो गृहस्थ आश्रम में थे तब ये अनुभव हुआ। तो भगवान उनको बोल रहे हैं कि मैं गौर भी हूँ और श्याम भी हूँ, मैं अपनी लाडली का ध्यान करता रहता हूँ ना, तो लाडली तो बहुत गोरी है राधा, तो इसलिए वो ध्यान करने के कारण मैं गोरा हो गया। यानी श्याम तो मैं हूँ ही हूँ, जो तुम मुझे जिस प्रकार जानते हो वो तो मेरा असली स्वरूप है, पर वो इस समय तुम जो गौर देख रहे हो मेरे को, वो अपनी लाडली जी का, मतलब अपनी राधा जी का ध्यान करने के कारण ये गौर वर्ण है। अब दूसरा महर्षि ने बताया था कि मैंने उनके चरणों में साष्टांग लेट जाना चाहा, परंतु मेरा शरीर जड़ हो गया था, मैं बोल तक न सका। तो अब वो भगवान उनको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं महर्षि को, तुम मुझे स्पर्श करना चाहते हो इस समय केवल इस रूप के साथ। ये संपूर्ण जगत जिसमें तुम हो, जिसे तुम देखते हो, यह मेरी लीला भूमि है। यानी इस वाक्य में महर्षि ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने क्या कहा, वाई यू आर वांटिंग मी टू टच इन दिस फॉर्म ओनली, तुम मुझे स्पर्श करना चाहते हो इस समय, एट दिस टाइम व्हेन आई अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ यू एंड इस रूप में, है ना। पर व्हाट इज द रियलिटी, रियलिटी इज कि संपूर्ण जगत जिसमें तुम हो, जिसे तुम देखते हो, ये मेरी लीला भूमि है, इसके एक एक कण में मेरी रासलीला हो रही है, और ये सब मेरा और मेरी प्रिया का ही रूप है। तो वाई यू आर सो मच दिस थिंग कंसर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर फॉर्म, इसी को तुम क्यों प्रणाम करना चाह रहे हो, इसी को तुम क्यों स्पर्श करना चाह रहे हो, इसी को तुम है ना क्यों छूना चाह रहे हो पर्टिकुलरली, हाँ क्यों, क्योंकि ही एक्सप्लेन दैट वट एवर यू आर सीइंग, मैं ही हूँ उस रूप में, मैं और मेरी प्रिया का ही रूप है। तो मैं यानी ब्रह्म और प्रिया मतलब शक्ति माया, तो राधा इज अ माया, तो मेरी प्रिया जो शक्ति है वही तो ये सब सृष्टि की रचना हम लोगों ने किया ना तत्व बोध में, तो पूरा का पूरा जो भी कुछ है वो मैं ही तो हूँ। तुम इन्हें स्थूल सूक्ष्म अथवा कारण के रूप में देखते हो, ये तुम्हारा दृष्टि दोष है। तुम इसको सोचते हो कि भाई ये तो स्थूल है, ये सूक्ष्म है, ये कारण है ना, कुछ नहीं, वो तुम्हारा दृष्टि दोष है।
होस पाइप को जो हमने सरपेंट देखा मंद अंधकार में, वो हमारा भ्रांति थी, वो होस पाइप ही उधर है, रज्जु ही है, वहाँ सर्प नहीं है। तो इसी प्रकार ब्रह्म ही है, ब्रह्म में ये जो हम देख रहे हैं स्थूल सूक्ष्म कारण, ये सब हमारा दृष्टि दोष है, वो सच्चा नहीं है। तो तुम पूर्व को पश्चिम क्यों समझ रहे हो, तुम मुझको जगत क्यों समझ रहे हो, यानी मैं तो ब्रह्म हूँ ना, मुझको जगत क्यों समझ रहे हो, ये सब मेरे युगल स्वरूप की क्रीड़ा है। तो बताया ना कि ये सब मेरा और मेरे प्रिया का ही रूप है, तो मेरा और मेरे प्रिया का रूप मतलब युगल स्वरूप हो गया, तो युगल स्वरूप का ये क्रीड़ा है, मतलब ये हमारा खेल है, पूरी जो सृष्टि है वो हमारे युगल स्वरूप की क्रीड़ा है। अब महर्षि इज एंडिंग दिस नरेशन, जो जो अनुभव हुआ उसका पूरा कर रहे हैं। भगवान चुप हो गए इतना बोल के, मतलब हमारे दोनों जो प्रश्न थे, दोनों प्रश्न थे, मतलब एक तो हम हमारा प्रश्न था और एक हम जो करना चाहते थे क्रिया, वो क्रिया के बारे में भी बोल दिया कि उसको क्यों तुम इस रूप में करना चाह रहे हो, है ना, सब जगह मैं ही हूँ। तो इतना बोल के भगवान तो चुप हो गए। अब महर्षि कह रहे हैं कि वो बंद नहीं हुआ, अब क्या हुआ, मेरी आंखें जिधर जाती थी, इधर देखूं तो इधर, इधर देखूं तो इधर, पीछे देखूं तो पीछे, सब जगह युगल सरकार और उनको घेर कर नाचती हुई सखियां, है ना। पहले तो सिर्फ ठाकुर जी आए थे, अब उनको भगवान ने बोला ना मेरी और मेरी प्रिया का ही रूप है, तो अब वो दोनों दिखने लगे युगल सरकार, और इतना ही नहीं फिर बोले ना पूरा जगत ये सब मेरा ही रूप है, तो वो सखियां भी दिखने लगी। तो अपना शरीर जगत, एक एक जगत का होना चाहिए, जगत का एक एक संकल्प और संपूर्ण वृत्तियां उसी लीला से परिपूर्ण हो रही थी। तो वो जो भगवान ने कहा था उसका ही दर्शन होने लगा महर्षि को, क्या कि अपना शरीर भी जगत का एक एक संकल्प और संपूर्ण वृत्तियां मानो कि पूरा उसी में भगवान ने जो कहा ये सब मेरा और मेरी प्रिया का ही रूप है, ऐसा अनुभव में आने लगा। और ये भी न जाने कितनी देर तक चलता रहा ये खेल। और अब जब देखा कि वो सामने खड़े हो गए, अंत में मैंने देखा युगल सरकार मेरे सामने खड़े हैं और सखियां उनको सेवा कर रही है, तो अब तो कर ही लेना प्रणाम। तो जब मैं उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए झुका, तो बिफोर आई कुड डू दैट द स्पर्श करते न करते देखा कि वे वहाँ नहीं हैं, एवरीथिंग डिसअपीयर्ड। वो कहाँ थे बैठे, महर्षि जंगल में, और मैं उसी जंगल में उसी वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, और मेरे रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की गंभीर ध्वनि निकल रही है। तो इस गंभीर ध्वनि से ही शुरू किया मैंने, आंखें बंद करके कृष्ण कृष्ण की ध्वनि पर तनिक जोर लगाया, तो कृष्ण कृष्ण के उच्चारण से कृष्ण की प्राप्ति हो गई। आज का हेडिंग है कि वो जो, यानी हम लोगों को भी ये करना चाहिए। कहने का मतलब महर्षि कह रहे हैं कि ये जो दूसरे दूसरे नाम लेके और दूसरे दूसरे है ना उसमें संसार में हम लोग लगे रहते हैं, तो हमको ये करेंगे तो कृष्ण की प्राप्ति भी हो जाएगी, इतनी कठिन नहीं है। ये महर्षि ने आज के पृष्ठ में समझा दिया। और अब जो है ज्योत्स्नाबेन का जो प्रश्न है वो है, एक तो निश्रेष को लेके है और एक ये साक्षात अप्रोक्ष को लेके है, तो साक्षात अप्रोक्ष इधर आ जाओ। हाँ हाँ टाइम है, तो ये अलग को पूछ लो, नहीं तो अलग को चाबी दे दो जाके सो जाएगा। अच्छा वो है ना, मैं कल ऐसे ही पढ़ रही थी तो पता नहीं कौन सी देता है, तो राजद्वेष के लिए का पेज था, फिर बाद में मैंने 3 नवंबर का पेज देखा ना, तो वो भी बहुत अच्छा है, वो राग राग द्वेष को हटाने की युक्ति सीखनी पड़ेगी, तो वो आप कर सकते हैं। क्यों नहीं, जरूर करेंगे, इनका प्रश्न कर देना पहले उसके बाद। ओके तो एक तो प्रश्न है साक्षात अप्रोक्ष, तो साक्षात अप्रोक्ष शब्द प्रयोग होता है, इसको ले लो। अच्छा ठीक है, साक्षात अप्रोक्ष जो है तो ये वेदांत में ये शब्द प्रयोग होता है, क्यों, क्योंकि तत्वबोध में हम लोगों ने कॉम्पैक्ट यानी बहुत ही शॉर्ट में किया, पर उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी वेदांत में जानने की है। तो ये तो इंट्रोडक्टरी बुक है, तो उसमें जब
ये आएगा कि भाई हमारा स्वरूप जो है उसका अनुभव का क्या तरीका है या उसकी उसको जरा एक्सप्लेन आप करिए, तो वेदांतिक उपनिषद में ही उसको समझाया है कि ये जो स्वरूप है एब्सोल्यूट रियलिटी, ये कोई इमेजिन करने की चीज़ नहीं है, ये साक्षात अप्रोक्ष है, यानी वो मैं ही हूँ। तो मैं ही हूँ समझने के लिए मैंने वहाँ ऊपर दिया है बोर्ड पे, एक तो प्रत्यक्ष यानी ये सब चीज़ें हमको प्रत्यक्ष है सामने दिख रही हैं, एक होता है परोक्ष यानी जैसे शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ग है नरक है, तो ये हमारे को प्रत्यक्ष नहीं है, शास्त्र में लिखा है हमारी श्रद्धा है तो ठीक है वो परोक्ष है, परोक्ष है यानी उसका हम जब समझो गए वहाँ तब हम कह सकते हैं अब हम हमारा प्रत्यक्ष है, पर तब तक हमको वो परोक्ष है यानी हमारे वो सामने नहीं है। और अपरोक्ष कहते हैं जैसे कल मैंने बताया दशमस्तोमसी, तो दस जो हैं तो गिन रहे हैं और दुखी हो रहे हैं कि एक आदमी डूब गया, तो कोई महात्मा आए तो उन्होंने देखा कि वो तो दस के दस हैं क्यों दुखी हो रहे हैं, बोले हाँ एक आदमी डूब गया हम नौ ही बचे, महात्मा ने गिन लिया दस थे, तो महात्मा ने कहा कि आप लोग कुछ इस प्रकार शोक मत करो दसवां है, तो दसवां है कहा तो अभी इन नौ आदमी जो दुखी हो रहे थे कि हमारा साथी दसवां मर गया, तो वो उसके कहने से महात्मा के कहने से कि दसवां है तुम दुखी मत हो, उन लोगों का रोना धोना बंद हो गया, क्यों, क्योंकि वो महात्मा झूठ नहीं बोलेंगे, इसका मतलब महात्मा ने मिले होंगे उसको दसवें को, डूब तो गया होगा पर बच गया होगा, तो इसको कहेंगे परोक्ष ज्ञान, क्योंकि अभी उनको मालूम नहीं कि कौन है वो, मतलब कहाँ है वो, फिर उनको जब लाइन में खड़ा करके और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दसमस्तोमसी दसवां तू ही है, तो हो गया परोक्ष, मतलब अब उसका प्रत्यक्ष ज्ञान भी शब्द यूज कर सकते हैं, पर मोर देन प्रत्यक्ष इट इज अपरोक्ष, यानी मैं ही हूँ ना दसवां, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अपरोक्ष। अच्छा पर ये तो हो गया दसमस्तोमसी में, जब गुरु कहते हैं कि आत्मा जो है वो तुम्हारा ही स्वरूप है, तो वहाँ पर अब व्यक्ति नहीं है, वहाँ अब वहाँ पर हम आत्मा के लिए यूज़ कर रहे हैं शब्द कि तत्त्वमसि, तत्त्वमसि यानी वो जो ब्रह्म है वो कोई परोक्ष नहीं है वो तू ही है, तो ये जो है इसका जो ज्ञान होगा वो अप्रोक्ष से भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि वो साक्षात अप्रोक्ष है, साक्षात अप्रोक्ष है यानी उसको इंद्रियों से नहीं देखना पड़ेगा, ये जो दसवां आदमी दिख रहा है या उसने अपने को जान लिया कि मैं ही दसवां हूँ, वो तो अपने को देख रहा है, पर आत्मा ऐसा आँखों से नहीं दिखेगा, जब गुरु कहेंगे तत्त्वमसि तुम ब्रह्म हो, तो तुम ब्रह्म हो मतलब मैं ब्रह्म हूँ, यानी गोविंदानंद ब्रह्म नहीं है, वो आत्मा जो है वो अप्रोक्ष से भी और ज़्यादा अंतरंग है, इसलिए उसका शब्द प्रयोग किया साक्षात अप्रोक्ष, साक्षात अप्रोक्ष मतलब वो मेरा असली स्वरूप है, जागृत में भी मैं रहता हूँ स्वप्न में भी मैं रहता हूँ सुषुप्ति में भी मैं रहता हूँ, तो वो जो मेरा असली स्वरूप है उसको साक्षात अप्रोक्ष यानी वो इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए शब्द हो गया साक्षात, बाकी जितना अप्रोक्ष है वो साक्षी भाष्य होता है यानी साक्षी के द्वारा प्रकाशित होता है, आत्मा के द्वारा प्रकाशित होता है, पर आत्मा स्वयं वो तो स्वयं प्रकाश है, इसलिए आत्मा जो है वो किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, इसलिए उसको साक्षात अप्रोक्ष, ये एक इनका प्रश्न था साक्षात अप्रोक्ष का, उसके लिए और भी शब्द हैं प्रत्यगात्मा दृग दृग मात्र बोलते हैं ना साक्षी आत्मा ऐसे करके, तो वो साक्षात अप्रोक्ष का एक प्रश्न था। एक प्रश्न ज्योत्सना बेन का था कि निःश्रेयस, एक होता है प्रेय एक होता है श्रेय और एक होता है निःश्रेयस, तो प्रेय जो है ये तो अर्थ और काम जो है ये सब प्रेय है, यानी भोग जो है अर्थ जो है चार पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अर्थ और भोग ये सब प्रेय में आ गया, और धर्म के
नियंत्रण में हम अपना अर्थ और भोग करेंगे तो हमारा प्रे की ओर मतलब यात्रा शुरू होगी। फिर उससे भी ज़्यादा जो महाराष्ट्र का कल एक चार्ट उन्होंने उसमें ले लिया था स्कैन करके मोबाइल में, तो वो है परंपरा साधन, अंतरंग साधन, परंपरा साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन। तो परंपरा साधन में धर्म है, भक्ति है, योग है, यानी अपनी यात्रा प्रे की ओर श्रेय की ओर शुरू हो गई। श्रेय का मतलब कल्याण। प्रेम में हमको अपनी मनचाही वस्तु तो मिलेगी, उसका हम भोग भी कर सकते हैं, उसका आनंद भी है, पर उसमें हमारा जन्म मरण का चक्र नहीं छूटेगा। श्रेय में कल्याण मार्ग में जब गुरु से हम जुड़ गए तो अब जो है परंपरा साधन के बाद बहिरंग साधन करके यानी भक्ति, ध्यान, जप, योग, ये सब उसी में आ जाएगा। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, तो उसके अंदर अब ये श्रेय का शुरू हो गया। फिर गुरु के पास गए और गुरु से हम श्रवण मनन निध्यासन अंतरंग साधन और फिर साक्षात साधन महावाक्य, तो ये सब श्रेय में आ गया। पर साक्षात साधन में जो आत्मा है, वो आत्मा जो है वो डेस्टिनेशन है। ये तो सब साधन है, उपाय है, पर जो उपेय है यानी जो हमको साध्य है, तो साध्य यहाँ पर कोई हम साधना करके उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्ध वस्तु है। आत्मा जो है वो साध्य नहीं है कि ये साधना कर ली और मैंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, ऐसा नहीं है। आत्मा तो तुम पहले से ही थे, जब अज्ञानी थे तब भी तुम आत्मा थे, तो इसलिए प्राप्तस्य प्राप्ति है। एक होता है अप्राप्तस्य प्राप्ति, यानी पहले मेरे को योग की सिद्धियां नहीं थी, मैंने योग किया अब मैं सिद्ध हो गया, तो ये अप्राप्तस्य प्राप्ति है। पर मैं अब ब्रह्म हूँ तो ये तुमने क्या किया, ये साध्य नहीं है, सिद्ध ही है। ब्रह्म या आत्मा जो है वो तो मैं पहले से ही हूँ, जब मैं अज्ञानी था तब भी मैं ब्रह्म ही था, तो इसलिए प्राप्तस्य प्राप्ति। अभी क्या हुआ, गुरु ने जब इस प्रकार तुमने किया परंपरा साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, है ना, गुरु के पास जाके और फिर साक्षात साधन महावाक्य का श्रवण किया और तुम्हारा अज्ञान मिट गया, तो ये जो है उसको हम कहेंगे निःश्रेयस। किसको, आत्मा को। आत्मा का नाम ही निःश्रेयस है और उसका साधन जो है वो है श्रेय। तो श्रेय मार्ग में हम लोग लगे हुए हैं और उनको प्राप्ति क्या करनी है, प्राप्ति क्या हो तो प्राप्त से प्राप्ति है, पर उसके ऊपर जो आवरण है उसको हटाना है। तो ये आवरण हटाने की जो साधना है वही श्रेय मार्ग है, और जो बाहर को संसार को लेने का जो मार्ग है वो है प्रेय मार्ग। तो प्रेय मार्ग में सब लोग है ही हैं, पर उसी में से जब व्यक्ति को समझ में आता है कि प्रेय मार्ग से मेरा कल्याण नहीं होगा, तब वो गुरु से जुड़ के श्रेय मार्ग में लगता है। पर श्रेय मार्ग से उसको प्राप्ति क्या करनी है, वो निःश्रेयस अपना आत्मा जो है वो आखिरी है। तो निःश्रेयस को ही मैंने एरो लगा के साक्षी आत्मा साक्षात अप्रोक्ष दृक् प्रत्यक्ष जो अभी अपने पहले प्रश्न के उत्तर में किया वो निःश्रेयस है। तो इधर मैंने चार्ट में लिखा है सिद्ध, साधक, विषयी और पामर। तो पामर जो है वो निषिद्ध कर्म करेगा, यानी जो शास्त्र में लिखा है कि नहीं करना चाहिए वो करेगा। विषयी जो है वो निषिद्ध कर्म तो नहीं करेगा, पर वो जो है उसको जो अलाउ है वो करेगा। साधक जो है वो उसको जो अलाउ है उसको भी वो छोड़ देगा, बल्कि साधना में ही लग जाएगा। तो साधक ही जो है वो श्रेय मार्ग का सच्चा पथिक है, और वही साधक जाके फिर अपनी सिद्ध वस्तु को जान लेता है। और ये जो हमारी क्या नाम शिल्पी का जो प्रश्न है, प्रश्न नहीं है वो, उसने आगे का देख लिया 3 नवंबर का, तो 3 नवंबर का राग द्वेष को हटाने की युक्ति सीखनी पड़ती है। तो उसमें महाराष्ट्री ने मांडुक्यकारी का आगम प्रकरण प्रवचन 332, 333, 334 में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। तो हम लोग तो 3 नवंबर को करेंगे ही, श्याम जी अगर आएंगे तो, नहीं तो फिर आज का जो कर लेते हैं मतलब संक्षेप में मैं बता देता हूँ। राग द्वेष को हटाने की युक्ति सीखनी पड़ेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आज कर लिया इसलिए 3 को नहीं आना है। 3 को हम 3 को विस्तार में करेंगे। आज तो मैं खाली उसको, शिल्पी जा रही है ना, तो अभी ये लोग निकल जाएंगे 12 बजे, तो इसलिए जहाँ तक काम चलाने का प्रश्न है वहाँ तक नाम रूप क्रिया व्यवहार पर दृष्टि जाती है।
अभी अभी मैंने बताया प्रे, तो प्रे का मतलब अब जाने का है ना, श्याम जी को भी जाके अपना दुकान खोलनी है और हम भी जाएंगे कथा में, तो ये काम चलाने का प्रश्न है। तो वहाँ तक नाम रूप क्रिया व्यवहार पर दृष्टि जाएगी, स्वामी जी आप कैसे जाएंगे, आपका ऑटो आएगा कि, तो हम बताएंगे नहीं नहीं आज ऑटो नहीं आएगा, आज राजेंद्र खेतान आने वाला है तो उसी की गाड़ी से हम जाएंगे। तो उसका मैसेज आया है, विद्याधर ने फ़ोन करके गणेशान जी को बताया कि 9 बजे हम पहुँच जाएंगे, तो स्वामी जी को कहना रुके, क्योंकि वो आता है तो थोड़ा हमसे बात करता है, तो हम बाद में चले जाएंगे। तो ये सब नाम रूप क्रिया का व्यवहार पर दृष्टि जाती है, क्यों, क्योंकि काम चलाना है ना। खाली गोपालगढ़ में, गोपालगढ़ में तो ऐसा नहीं कर सकते, पर समझो कोई अपना चले गए उधर तपोवनम में, है ना, तो अपना ये भी कुछ राजेंद्र, राजेंद्र का क्या काम है, कुछ काम नहीं है अपना, नित्यानंद जी अपना मस्त है, हम अपना, आप तो आए, ये लोग भी आए, ज्योत्सना बहन तुम भी आई, हाँ सपना और ये लोग आए थे, तो शिल्पी नहीं आ पाई, ये एक रात रुके, श्याम जी आए थे, तो साउथ में आए थे ना, तो साउथ में तो अपने ई रोड पे उनका सब काम वाम धंधा, तो यहाँ से मैं जी से परमिशन लेके कि हम गोविंदानंद जी को मिलने जाएं, हाँ हाँ जरूर जाओ और उनको लेके आओ जाओ और लेके आओ। तो कहने का मतलब वहाँ तो ये सब क्रिया नाम रूप व्यवहार की जरूरत नहीं है, अपना बैठे हैं आनंद में, है ना। तो जहाँ तत्व का सच्चाई का अनुसंधान करना होता है, वहाँ नाम रूप के परम अर्थ पर दृष्टि जाती है, अर्थात परमार्थ पर दृष्टि जाती है, परमार्थ यानी एब्सोल्यूट रियलिटी। तो एब्सोल्यूट रियलिटी जो अपना निःश्रेयस जो है, वो निःश्रेयस को प्राप्त करने का साधन जो है वो है श्रेय। तो ये श्रेय, ये व्यवहार का इससे कोई लेना देना नहीं है, है ना, वहाँ तो अपना बस खाली भजन, तो उसको कहेंगे परमार्थ। वहाँ पर नाम रूप का परम अर्थ क्या है, नाम रूप का परम अर्थ यही है ब्रह्म, तो उस पर दृष्टि जाती है। कब, जब तत्व का सच्चाई का अनुसंधान करना होता है। तो अभी ये तत्व बोध जो आप लोगों ने किया 2 दिन में, तो उसका जब अनुसंधान करना होता है, तब ये सब नाम रूप वगैरह उसको फॉर ए टाइम बिंग वी हैव टू सस्पेंड इट, है ना। अलग बोले कि नाश्ता, बोले अभी रुक जाओ, अभी हम तत्व बोध पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये भाई काहे को तुमने तत्व बोध किया, हमारा नाश्ता भी समय पे नहीं मिल रहा है, वो फिर गोविंदानंद जी को ही बोलेगा, है ना, कि तत्व बोध सिखा के आपने सब गड़बड़ कर दिया, है ना। तो ये महर्षि आगे पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जो परमार्थ का चिंतन करने वाले हैं, उनकी सृष्टि के चिंतन में उनका सृष्टि के चिंतन में आदर नहीं है। सृष्टि के चिंतन का मतलब अपना व्यवहार। तो ये जो परमार्थ का चिंतन करने वाले हैं, मतलब ये जो महात्मा लोग हैं, है ना, दे डोंट केयर मच अबाउट द कि इसका क्या हुआ, है ना, उधर क्या हुआ, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार क्या करेगी, है ना, पहले जो सरकार, कांग्रेस सरकार ने क्या क्या गड़बड़ियाँ की, तो कांग्रेस सरकार ने भी अच्छे काम भी किए, ऐसा थोड़ी है कि सब गड़बड़ किया, पर वो सृष्टि का चिंतन करता ही नहीं है। कौन, जो परमार्थ का चिंतन करने वाला था, वो टीवी नहीं देखता है, अखबार नहीं देखता है। हमारी दत्ता अवधूत करके एक महात्मा जी, आपने तो दर्शन किए, उनको ये भी नहीं मालूम कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, देश का राष्ट्रपति कौन है, कुछ नहीं मालूम। सृष्टि के चिंतन का आदर नहीं करते। ओबामा कौन है, उनको कुछ नहीं मालूम। वे तो जो सच्ची वस्तु है उसका चिंतन करते हैं, यानी दे आर कंसर्न ओनली अबाउट द एब्सोल्यूट रियलिटी, यानी परमात्मा कृष्ण। परंतु जिन लोगों का चिंतन राग और द्वेष से प्रेरित है, अभी संसार में तो ये रहेगा ही, है ना, संसार में श्याम जी का राग है किससे, गोविंदानंद जी से, और द्वेष, बोले द्वेष भी अभी बोलूंगा नहीं, है ना, पर उनसे द्वेष भी है। तो ये तो सबका, यानी श्याम जी का खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, सबका राग द्वेष रहेगा। क्यों, क्योंकि वो प्रेम में ऐसा हो गई, जो संसार है उसमें ऐसा होगा, तो उनका चिंतन समझ लो कैसा होगा। महर्षि इज गिविंग द आइडिया कि उनका चिंतन कैसा होगा, यह हमारा राष्ट्र है, यह हमारा प्रांत है, यह हमारा शास्त्र है, यह हमारी जाति है, हृदय क्या, हार्दिक पटेल, हाँ देखिए हमारी जाति, उसी के ऊपर पूरा कितना बवाल है। तो यह हमारी जाति है, यह हमारा परिवार है, है ना, यह हमारा व्यक्तित्व है, है ना, जीतू भाई बोलेंगे यह हमारा, है ना, जनरल सेक्रेटरी ऑफ आनंद वृंदावन, और पर्सनालिटी क्या क्या कहना, 78 में भी इतना कड़क चलते हैं।
हम लोग तो 78 में झुक जाएंगे पूरा का पूरा, 68 में झुक गए, वही तो सत्य है। तो ये हमारा व्यक्तित्व तो है आदि आदि, ये क्या हो गया, ये जो संसार के लोग हैं उनका चिंतन का एक नमूना बताया महाराज ने। इस सीमित दायरे में बैठकर है ना, देन इफ यू ट्राई टू थिंक अबाउट द तत्व, जब हम वस्तु का चिंतन करेंगे तो वो एक्चुअली वस्तु का चिंतन नहीं होगा, अपने उपयोग की दृष्टि से करेंगे कि भाई स्वामी जी आप ये तत्व बोध सिखा रहे हैं, उससे हमको फायदा क्या होगा बड़ौदा जाने के बाद, वो आप पहले बताइए। तो हम फिर बताएंगे कि फायदा यही होगा कि आप तत्व बोध लेके बैठ जाना और कोई कुछ कहे जीतू भाई ये समस्या है, फायदा यही कि भाई अभी बात मत करो। यानी सबको मूर्ख बनाना है, तत्व बोध तो पढ़ के कुछ होना नहीं है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि हमारा दायरा तो ये है ना राग द्वेष का, और राग द्वेष के दायरे में हम तत्व बोध लेके बैठ गए। तो अब उसका उपयोग की दृष्टि क्या है, उपयोग स्वामी जी बहुत बढ़िया है, अभी इस बार बड़ौदा गया बस खाली तत्व बोध बुक लेके बैठता था और कोई किसी का हिम्मत नहीं कि मेरे पास आवे, हो गया ना सब समस्या खत्म, बस सब समस्या खत्म। नहीं तो पहले आयुषी भी आके बोले, अंकित भी आके बोले, आसना भी है ना, सब लोग आके सुनावे अपना अपना दुख, अभी कुछ नहीं। वो जब से बड़ौदा वृंदावन जाके आए हैं है ना, खाली तत्व बोध तो उपयोग हो गया, बहुत बढ़िया उपयोग हो गया। तो ये महाराज जी कह रहे हैं कि हम लोग अपने उपयोग की दृष्टि से करेंगे। श्याम जी जाता है मीरा को सुनाता है सब वेदांत की बड़ी बड़ी बात है ना, वो मीरा क्या करे बेचारी। तो ये यही उपयोग हम लोग करेंगे इसका, मतलब असली उपयोग नहीं करेंगे कि इसको समझ लेवे, इसको अनुभव कर लेवे, है ना, वो उपयोग नहीं करेंगे महाराज जी कह रहे हैं। अतएव जिससे उसकी सिद्धि होगी उससे राग होगा, और जिससे अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती होगी उससे द्वेष होगा, और तब हम अपने अंतःकरण को राग द्वेष से मलिन करके विचार करेंगे। यानी हमारा विचार तत्व बोध का होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको तो खाली संसार में ही हमारी आसक्ति है, तो इसलिए वो मलिन ही रहेगा, ये शुद्ध नहीं होगा हमारा अंतःकरण। तो फिर क्या करना चाहिए आगे बताएंगे। और जब किसी से राग हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, तो उसके गुण ही गुण दिखते हैं, दोष नहीं दिखते हैं। और जब किसी से दुश्मनी हो जाती है तब उसके दोष ही दोष दिखते हैं, गुण नहीं दिखते। ये तो सब आप लोगों को मालूम है। तो माने जब तक हमारे अंतःकरण में राग द्वेष हैं, तब तक हम, महर्षि को ये कहना है इस पेज में, कि वस्तु की सच्चाई को समझने में बहुत बहुत कठिनाई का अनुभव करेंगे। आपने स्वामी जी 2 दिन में तत्वबोध तो हमको बता दिया, पर यह हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो महर्षि खुद ही बोल रहे हैं कि जब तक अंतःकरण में राग द्वेष हैं तब तक तत्वबोध समझना बहुत बहुत कठिन है। जब अंतःकरण राग द्वेष से रहित होता है तब सत्य का ज्ञान होता है। महर्षि को यही समझाना है कि अंतःकरण हमारा, राग भी बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उसमें व्यक्ति राग के कारण बहुत कुछ गड़बड़ियां करता है। पहले आया है, झूठ भी बोल देगा है ना, बेईमानी भी कर देगा, हिंसा भी कर देगा। क्यों? क्योंकि उससे राग है, जिसको वो चाह रहा है उसके लिए वो कर रहा है। द्वेष में तो हम करते ही हैं गलतियाँ, इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि सत्य का ज्ञान उसको कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राग द्वेष को पहले शिथिल करना पड़ेगा। राग द्वेष को हटाने के लिए भी युक्ति होती है और वह भी सीखनी पड़ती है। तो वो युक्ति क्या है उसको अभी संक्षेप में बता रहे हैं। एक कल्पित पदार्थ में राग करो, ये जो संसार के ठोस पदार्थों में राग द्वेष है वो मिट जाएगा। इसका नाम उपासना है। उपासना चाहे कर्म प्रदान करो चाहे भाव प्रदान करो। कर्म प्रधान उपासना को कर्मयोग कहते हैं और भाव प्रधान उपासना को भक्ति कहते हैं। तो कर्मयोग यानी निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म बोले तो अभी अपने श्लोक में गार्डन में काम कर रहे हैं उसको निष्काम नहीं कहेंगे, पर आश्रम में शिल्पी आ गई और आके गार्डनिंग कर रही है वो निष्काम है, क्योंकि उससे करने में कुछ मिलने वाला नहीं है। श्लोक में तो मैं अपने घर में कर रही हूँ, पर यहाँ मैं अपने गुरु जी के आश्रम में कर रही हूँ। तो गुरु जी के आश्रम में जो करेंगे उसको कहेंगे निष्काम कर्मयोग, है ना। और श्लोक में अच्छा, उधर भी बड़ौदा में आप लोग जो कर रहे हैं है ना, वो क्या चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो कर रहे हैं तो उसको निष्काम कर्मयोग, है ना। पर समझो कि अपना जीतू भाई का कोई हॉस्पिटल है और उसमें दे रहे हैं तो वो निष्काम नहीं है, क्योंकि वो तो पापा का है। तो पापा का है तो वो तो स्वार्थ हो गया ना उसमें। बिल्कुल
तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि एक तो तरीका ये है राग द्वेष को कम करने का, क्या कि जो कर्मयोग कर सकते हैं, कर्मयोग में ये भी है, डोनेशन भी कर्मयोग में है। क्यों? क्योंकि हम उसको निष्काम यानी अपने बिना किसी स्वार्थ के उसको चैरिटी दे रहे हैं, उससे भी हमारा अंतकरण शुद्ध होगा, है ना। और जो कर सकते हैं शरीर से सेवा कर सकते हैं, है ना, तो उनको तो जाके करना चाहिए, कहीं भी ऐसा फील्ड हो, है ना, तो वहाँ जाके, तो कर्मयोग है। पर सब लोग नहीं कर सकते हैं कर्मयोग, तो बोले कोई बात नहीं, उपासना तो कर सकते हैं कि नहीं, बोले हाँ मंदिर में बैठ के जप कर सकते हैं, तो वो उपासना करो, है ना, वो भाव प्रदान है, तो भाव प्रदान करोगे तो उससे क्या होगा, राग द्वेष संसार के कम होंगे। अच्छा, आगे के पैराग्राफ में कह रहे हैं, एक तो हो गया कर्मयोग और दूसरा हो गया भक्ति, तो किसी से भी राग द्वेष मत करो, एक बात, चित्त वृत्ति को सम करो, दो बात, और ये जो निर्वृत्तिक चित्त का अवस्थान है इसको योग कहते हैं, और यह जो भेद मानकर राग द्वेष होता है, विचार के द्वारा उस भेद को ही मिटाओ, ये सांख्य अथवा ज्ञान मार्ग है। तो महर्षि भक्ति योग भी सुना दिए, कर्मयोग भी सुना दिए, अब दो, ये दो चीज बच गई, एक होता है योग, योग यानी जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ऐसे करके अष्टांग योग उसको बोलते हैं, तो वो निर्वृत्तिक चित्त का अवस्था यानी समाधि में ध्यान करके और एकदम कोई वृत्ति नहीं, बिल्कुल समाधि लग गई, कुछ विचार ही नहीं है, उसको कहेंगे योग। और ये जो भेद मानकर राग द्वेष होता है, विचार के द्वारा उस भेद को ही मिटाओ, है ना, तो ये विचार के द्वारा जब हम ये भेद, कल आया था कि ईश्वर और जीव में भेद नहीं है ऐसे करके उसको मिटाना पड़ेगा, तो ये जो मिटाना है उसको कहेंगे ज्ञान मार्ग, सांख्य मार्ग। ज्ञान मार्ग कहो सांख्य मार्ग कहो एक ही बात है। तो महर्षि ने चारों योग बता दिए, राग द्वेष को मिटाने का कर्म योग भी तरीका है, भक्ति योग भी तरीका है, है ना, योग, योग यानी जो अष्टांग योग है, समाधि लगाना वो भी एक तरीका है, और सांख्य योग अथवा ज्ञान योग जो विचार हम करते हैं, जैसे दो दिन तत्वबोध का विचार किया, वो भी एक तरीका है। पर हमेशा जो आखिरी वाली चीज को करने जाओगे तो वो इतना यूज नहीं आएगा, वो पहले ही समझा दिया है ना, क्योंकि जब तक राग द्वेष हैं तब तक ये पहले जो तीन तरीके हैं कर्मयोग भक्ति योग और अष्टांग योग वो ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि सांख्य योग जो है ज्ञान योग जो है वो तभी काम में आएगा जब ये पहले तीन कुछ है जीवन में। तो अंत में कह रहे हैं कि अब इन चारों का फल है कि हम परम वस्तु का जो सच्ची वस्तु है उसका चिंतन करें। तो ये चारों का जो आपने गिनाया उसका फल क्या है, क्योंकि हमेशा व्यक्ति जब देखता है कि इससे ये इसका परिणाम होगा तब उसमें उसकी प्रवृत्ति होती है, तो प्रवृत्ति तभी होगी जब महर्षि बताएंगे कि इसका फल क्या है। तो फल बता रहे हैं कि जो सच्ची वस्तु है उसका चिंतन करने का हमको सामर्थ्य आ जाएगा। तो अब इन चारों का फल है कि हम परम वस्तु का जो सच्ची वस्तु है, जहाँ से शुरू किया था महर्षि ने कि नाम रूप के परम अर्थ पर दृष्टि जाती है, अर्थात परमार्थ पर दृष्टि जाती है, कब जाती है, जब तत्व का सच्चाई का अनुसंधान करना होता है, तो उसी को अब एंड कर रहे हैं कि वहाँ पर दृष्टि जाएगी। अगर ये हम कर्मयोग भक्ति योग है ना अष्टांग योग और ज्ञान योग करेंगे तो इससे हमको वो जो सच्ची वस्तु यानी एब्सोल्यूट रियलिटी, वो जो साक्षी है ना साक्षात अप्रोक्ष जो है उसके ऊपर हमारा चिंतन होने लगेगा। अंत में कह रहे हैं कि जो लोग परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं वे परमार्थ का चिंतन करते हैं, उन्हें सृष्टि की खटपट में उतना रस नहीं आता है। सीधी बात है, जो लोग परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं वे परमार्थ का चिंतन करते हैं, तो बोले नहीं स्वामी जी आप बड़ौदा आइए, तो बोले उन्हें सृष्टि की खटपट में उतना रस नहीं आता है, क्योंकि वहाँ आओ तो दो दिन सुरेंद्र भाई के घर में, दो दिन जीतू भाई के घर में, फिर उधर है ना वो सुरेंद्र भाई के भाई, उनका नाम भी भूल गया, तो अलग तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि स्वामी जी सुबह से रात तक और ये चार दिन का बोले थकते नहीं है क्या, हमने कहा अगर तू श्रीचार में थक जाता है तो मैं भी थक जाता हूँ, ये नहीं थकता है। तो परमार्थ के चिंतन में रस आने लगा ना, तो जो लोग परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं वे परमार्थ का चिंतन करते हैं, उन्हें सृष्टि की खटपट में उतना रस नहीं आता है ना,
तो इसलिए ये जो है बड़ौदा का सजेशन हमको इसलिए पसंद नहीं है कि वहाँ तो बहुत खटपट है। डाल देंगे जैसे कूड़ा डालते हैं हम एकांत रहेंगे, हम आएंगे प्रश्न और सत्संग के लिए ही आएंगे। तो नहीं, अभी महाराज जी प्रश्न उठा रहे कि क्यों, तो क्यों का उत्तर दे रहे, जो माया के रूप हैं उनके चिंतन से किसी विशेष स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है। ये जितना है सब माया का रूप है, यानी गोपालगढ़ भी माया में ही आएगा, पर उसमें विशेष स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है। तो सामान्य स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी, राजेंद्र केदान से मिलेंगे तो हमको है ना बढ़िया कमरा मिलेगा है ना, पर विशेष स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी। बोले कि उससे परमार्थ नहीं मिलेगा, परमार्थ तो तभी मिलेगा है ना जब हम अपने अंदर घुसेंगे। तो अंदर घुसने के लिए तो कहीं भी रह सकता है, बड़ौदा में भी रह सकता है, गोपालगढ़ में भी रह सकता है, पर अभी बड़ौदा का जो है कोटा हमारा पूरा हो गया। हरिओम दशरथ, हरिओम दशरथ, हरिओम दशरथ। क्या कह रही है?